आज अगर यही बयान बुखारी की अगर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कर देते तो सभी इनको सारे संविधान और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग और चुनाव आयोग के निर्देश इन सब का उनको ध्यान आ जाता और ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आक्रामक हो जाते। लेकिन आज इन्होंने नहीं किया है, ये निश्चित रूप से गलत किया है इन्होंने। और किसी को भी किसी धर्म के नाम पर अगर जब वोट नहीं मांगना है तो नहीं मांगना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको गलत माना है और कानूनन भी ये एक तरह से कानून के खिलाफ है। दूसरी बात ये कि फतवे वगैरह और इन चीज़ों का तो आज के ज़माने में कोई वक्त रहा ही नहीं। देश के अंदर आज का जो वोटर है वो बिल्कुल इतना समझदार हो चुका है कि वो इस डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए इंडिविजुअल वोट देता है, अपने 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 सोच के आधार पर देता है। किसी भी नेता का इस प्रकार का किसी जाति विशेष को लेकर या धर्म विशेष को लेकर के बयानबाजी आना इस निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन उससे भी दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि कुछ नेता तथाकथित धर्मगुरुओं के पास जाकर के और उनसे जिस प्रकार से आशीर्वाद ले रहे हैं, बाकायदा उनके साथ में फोटो छपा रहे हैं, वो इस बात की ओर निश्चित रूप से इशारा करता है कि उनका इंटरेस्ट कुछ जाति विशेष कुछ संप्रदाय विशेष में है और वो इस बात को फोकस कर रहे हैं कि आप हमारे साथ आइए, हम आपको ज़्यादा खुशहाल रखें। दो दर्शकों की राय के साथ आगे बढ़ते हैं। खालिद कुरैशी साहब है बीकानेर से और अशोक पंडित जी अजमेर से हमारे साथ जुड़े हैं। खालिद साहब नमस्कार, क्या स्टेटमेंट देना चाहेंगे इस मसले पर आप? अशोक पंडित जी नमस्कार सर। जी भाई साहब नमस्कार, बताएं सर क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब 20-30 सेकंड दे दिया करो मेरे को भी। जी भाई साहब, खालिद साहब सुप्रीम कोर्ट के आदेश और उनके उपदेश और उनकी सभा को कोई पार्टी ना तो मानती है, इवन इलेक्शन कमीशन भी उन चीजों को नहीं सुनता जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है। जी एक बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी आज एक महीने से ऐसी जहर उगल रही है उनके नेताओं के द्वारा जिसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। पार्टी एक मिनट में रहती है, उनके पर्सनल विचार है। अरे भाई, देश को तोड़ने के पर्सनल विचार हो सकते हैं क्या? वो देशद्रोही नहीं है जो बिल्कुल ऐसे लोग अगर बयान देंगे तो देश को तोड़ने जैसी साजिश की बू यहाँ पर आने लगती है। धन्यवाद आपका खालिद साहब फिर से जुड़े हैं। नमस्कार। हाँ सर नमस्कार जी। सर बाकी सवाल तो आप पूछ रहे हैं और पूछेंगे जी, मतलब मेरा छोटा सवाल ये है, एक तो बुखारी साहब से और रामदेव जी से कि और बाकी जो अपने गुरु है उन सभी से कि वो किसी पार्टी का समर्थन करने के लिए कितने करोड़ लेते हैं, बाकी सवाल आप कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो मैं इस पर आऊंगा क्योंकि ऐसा कोई रिप्रेजेंटेटिव हमने पैनल में नहीं रखा जो इस मसले पर जवाब दे दे, लेकिन उससे पहले पहलू ये है कि राजनीतिक दलों को किस तरह से इसका फ़ायदा मिलता है। गिरिराज गर्ग साहब जो दिन में चेलावत जी ने कहा वो भी हमने सुनाया और अब जो कह रहे हैं वो भी, मैं उसी पहलू को लेकर लौटना चाहूँगा आपके पास में। क्या वजह है कि कांग्रेस ऐसे नेताओं के आगे, ऐसे धार्मिक ठेकेदारों के आगे हर वक्त नतमस्तक रहती है? देखिए अश्विनी जी, देश की आज़ादी के बाद कांग्रेस ने किसी चुनाव के अंदर कभी किसी धर्म गुरु का या धर्म नेताओं ना धार्मिक गुरुओं का समर्थन नहीं लिया। देश की जनता ने तय किया सरकार किसकी बनेगी। इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी रही, दूसरे दलों की सरकारें भी रही, कांग्रेस की सरकारें भी रही, लेकिन दुर्भाग्य यह है जैसा सतारण सिंह जी ने कहा कुछ पार्टियों का। दो तरह के जुमले मैं बीच में रोक रहा हूँ, दो तरह के जुमले चलते हैं, गांव गरीब किसान दलित और मुसलमान, ठीक है, दोनों ही जब बात होती है तो कांग्रेस खुद को सबसे बड़ा हितेशी बताते हुए बात रखती है। नहीं उसके इस बात के मायने आप जो धर्म की बात कर रहे हैं वो धर्म से कहीं उसका जुड़ाव नहीं है। दलित मुसलमान का जिक्र वो देश करना। वो एक व्यक्ति एक समाज की यदि बात करें, एक वर्ग की अगर बात करें तो निश्चित रूप से धर्म की बू आती है जो दूसरी पार्टियां करती है जिनका उद्गम ही धार्मिक भावनाओं के आधार पे हुआ है। आज भी वो यही प्रयास करती है। ये भी कहते हैं सबका विकास सबका साथ, ये भी कहते हैं अभी कह रहे थे, लेकिन वो सबका साथ सबका विकास यूपी चुनाव में कहीं नजर नहीं आ रहा, कहीं एक जगह नजर नहीं आ रहा। इसका सीधा सा मतलब ये है, मतलब एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया, आप ये कहना चाह रहे हैं प्राप्त करनी है यूपी में, एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दी निश्चित रूप से। यही तो है, यही है कथनी और करनी का, चाल और चरित्र का यही है उदाहरण प्रस्तुत है। इसलिए बुखारी जी को कहना पड़ता है कि बीजेपी को तो मत देना, क्यों चलावत जी? नहीं मेरा ये कहना है कि कांग्रेस ने हमेशा मुसलमानों को केवल उपयोग करके यूजन थ्रो की नीति के तहत, आप तो जुड़े ही नहीं, प्रेसिडेंट बनाया है यूजन थ्रो, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का बनाया यूजन थ्रो। आप ये कह रहे हो तो हमने भी डॉक्टर अब्दुल कलाम को प्रेसिडेंट बनाया है, निश्चित रूप से बनाया है।
और हमारे भी कई मंत्री आज भी केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार में मंत्री हैं मुस्लिम विधायक, उनके हालात तो मालूम है सब। पर मेरा एक निवेदन है कि उत्तर प्रदेश चुनाव में आप जो कह रहे हो कि साहब यूपी में हमने कोई एक भी मुसलमान, आप ये संतुष्ट कर दीजिए बाकी मेहमानों को कि राजनीतिक दलों में बीजेपी ऐसी नहीं है जो धर्म मजहब जाति इनका इस्तेमाल करती है जीतने के लिए। हम तो ये कह रहे हैं कि शुरू से ही हमने सबके साथ में लेके कहा चुनाव लड़ा है। उत्तर प्रदेश के अंदर आप देखिए 72-73 सीट हमारी जो आई है सबके साथ देने के बाद ही आई है। कोई एक जाति विशेष का हमारा साथ मिलता तो हम उसको नहीं ला पाते। लेकिन मैं आपको कांग्रेस को आरोप लगाने का अधिकार इसलिए नहीं है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो एक जो गठबंधन बना है नहीं, मुस्लिम ने भी आपको वोट नहीं दिया यूपी में। नहीं नहीं, वोट चाहे मुसलमान ने वोट नहीं दिया है लेकिन उसके बावजूद भी हमने सबको साथ लेके चलने की नीति पे चले। आप मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस ने जो मुलायम सिंह जिसको लिए वो कहता है कि 27 साल यूपी बेहाल, और उस 27 साल यूपी बेहाल में आखिरी के 5 साल समाजवादी पार्टी के रहे। नहीं गठबंधन पर मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ, मैं जाति समीकरण पा रहा हूँ। कांग्रेस ने केवल अखिलेश यादव से इसलिए समर्थन किया है, समर्थन उसको दिया है और उनके साथ में अलायंस किया है कि क्योंकि उसके साथ में कुछ मुस्लिम वोट उनके साथ जुड़े हुए। मैं तीन आंकड़े बताना चाहूंगा। मैं कांग्रेस का जो वोट बैंक है 2014 के इलेक्शन में जो दावा किया गया 11% वोट मिला मुस्लिम वोट जो कुल है उसका, 2009 में 25% मिला था, 2002 में 11% मिला था। कोई खास तब्दीली नहीं आई है। आप किसका जिक्र करना चाह रहे हैं? नहीं मैं इस मुकाबले अगर एसपी की बात करेंगे जरूर 2014 में 58% वोट लिया, इस बार मायावती दावा कर रही है उसका। तो कांग्रेस बीएसपी के साथ नहीं है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कांग्रेस की स्थिति वहां पर योगी कंगाल जमींदार की तरह, पहले कभी जमींदार रहे होंगे लेकिन आज बिल्कुल कंगाल है। इस तरह के कमेंट्स जो है ना, मेरी बात सुनो आप, वो ठीक नहीं है। नहीं नहीं मेरी बात, मुझे बोल रही लौटो, कृष्णा गुरानी जी जुड़े रहिए, आ रहा हूँ तुरंत आपके पास। मैं वहाँ पे कांग्रेस की स्थिति ऐसी हो रही है। और आप ये देखिए, अगर अब्दुल्ला बुखारी बयान देते हैं तो भी आप बीजेपी को घेरने की कोशिश करते हैं, योगी आदित्यनाथ बयान देते हैं तो भी बीजेपी को घेरने की कोशिश करते हैं। मेरा ये कहना है कि मैं ध्रुवीकरण के खिलाफ हूँ। और क्यों हम ये हमने साथ खिलाफ जब सुप्रीम कोर्ट ने और चुनाव आयोग ने निर्देश दे दिए तो धर्म के नाम पर किसी को भी वोट स्वीकार करना भी नहीं चाहिए। बीजेपी विरोध करे कि चले कृष्णा कुरानी जी को सुन लेते हैं, जयपुर से जुड़े बाकी मेहमानों का भी विरोध कर रहे हैं। कृष्णा जी नमस्कार सर, कृष्णा कुरानी जी सुन पा रहे मुझे? आप जुड़ेंगे फिर से तब लौटेंगे। सत्यनारायण सिंह जी, इन बयानों के क्या मायने हैं? क्या ध्रुवीकरण साफ तौर पर बढ़ता जा रहा है और कोई भी बड़ी पार्टी इस मसले पर साफ तौर पर बोलने से बचती है? देखिए, जब स्वतंत्रता आंदोलन के टाइम से ही जब बीजेपी और आरएसएस और जो दूसरी पार्टियां हैं उनका व्यू रहा है कि हिंदू ध्रुवीकरण हो, मुस्लिम लीग और वो जो पार्टियां हैं उनका हमेशा से रहा है और इसीलिए देश की ये हुआ। इन्होंने अब बात कह रहे हैं, मैं पूछना चाहूँगा, इन्होंने मौर्य को ओबीसी की खातिर क्यों तोड़ करके उसको वहाँ पे उसको अध्यक्ष बनाया? क्योंकि जी दूसरी वोट बैंक हुआ जाए। अभी राम जन्मभूमि की बात आती है, मंदिर की बात आती है तो भी अभी बात आती है, जब इनका राज था जब नहीं बोलते थे उसमें। ये जितने इनके साधु संत हैं वो ओपनली कहते हैं कि अगर हमारे ये नहीं बनेगा हमारा ये नहीं होगा। अभी आज आया था कल्याण सिंह चले गए, कार्यकर्ता चले गए थे सत्ता से चले गए थे। कल्याण सिंह तो गवर्नर बन गए, सत्ता से कहाँ चले गए? अब उनका लड़का चुनाव लड़ रहा है। ये हिंदुस्तान में मैंने पहले भी कहा था जातीय ये बड़ी ऊंची जातियों ने इस जाति को नींव का पत्थर बना दिया। कोई भी पार्टी है जाति के बिना, कोई भी उम्मीदवार जाति के बिना आज की तारीख में चुनाव के चुनाव नहीं लड़ता। ये याद क्यों आती है सत्यनारायण जी, तभी ऐसा क्यों बोलते हैं? देखिए मैं बताऊं कोई और उसका कारण क्या है और मैं ऐसी डिबेट तभी क्यों करता हूं? नहीं, ये हमारा निर्वाचन आयोग भी टूथलेस है, ओनली पेपर टाइगर है जो चिट्ठियां लिखता रहता है, नोटिस देता रहता है, कार्रवाई कुछ होती नहीं है। जो कह लेता है वो कह लेता है, जो मांग लेता है वो मांग लेता है। कहानी है ये, और यही सुप्रीम कोर्ट की स्थिति है। जब तक कोई दोबारा जाके नहीं कहेगा कि कंटेम्प्ट हुआ तब तक जुड़ रहा हूँ आपके पास में। जाकिर साहब, एक कॉलर बीकानेर से, नमस्कार सर। नमस्कार साहब, बताएं सर। साहब मैं ये कहना चाहता हूँ कि चुनाव विषय के अंदर वादे तो बहुत किए लेकिन वादे पूरे नहीं। गौर से भाई यूपी चुनाव के अंदर एक नेता ने कहा था कि मैं इलेक्शन जीतूंगा वहां कर्फ्यू लग जाएगा। एक आदमी ये कहता है कि मैं ऐसा करूंगा ये हो जाएगा। और जोधा अकबर का किस्सा ले लो, 3 तलाक ले लो, मतलब जब भी इलेक्शन आते हैं तो जातिवाद का मुद्दा क्यों होता है? एक भी पार्टी अंदर कोई जातियों को वोट रिझाने के हिसाब से मुद्दे तलाशे जाते हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं। शुक्रिया आपका। कृष्णा जी नमस्कार। परेश नमस्कार सर, बताएं।
फारिक साहब, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जो भी व्यक्ति कह रहा था कि कांग्रेस की यूपी के अंदर बहुत खराब हालत है, जमीन ढूंढ रही है, मैं आपके चैनल के माध्यम से उस व्यक्ति से ये निवेदन करूंगा, कांग्रेस पार्टी वहां से अच्छे बहुमत से आ रही है, अच्छी सीटें आ रही है, कम से कम वो, चलिए वो 11 मार्च को बात कर लेंगे सर, इस मसले पर क्या कहेंगे आप? हाँ, कांग्रेस पार्टी एक ऐसा दल है जिसने अभी तक किसी धर्म के नाम पे वोट नहीं मांगा, उन्होंने 36 कौमों को एक ही बात कही है, ये 3 साल आपने नरेंद्र मोदी के देखे, अब जो आपने देखना है वो आप मतलब जो इसको वोट करें। चलिए, और आप कांग्रेस में यकीन करते हैं, शुक्रिया आपका। एनएम शर्मा साहब, सवाल था कि क्यों टूल बन जाते हैं, क्यों पार्टियों की मजबूरी है चुप रहे? देखिए सभी लाचार है तंत्र, देखिए सभी राजनीतिक दलों की ये मजबूरी है कि वो ऐसे व्यक्तियों को जरूर अपने ओर आकर्षित करें जिनकी फॉलोइंग हो, और फॉलोइंग करने के रूप में धर्म एक सबसे बड़ा मैं कह सकता हूँ कि एक आधार बनता है कि जिसमें उन लोगों को जो धर्म के प्रति समाज में एक विशेष स्थान रखते हैं और उन धर्म गुरुओं के प्रति आस्था रखते हैं, उन लोगों को समर्थन के साथ में आगे आकर और उनसे वोट लेने के संदर्भ में जो राजनीतिक दल हैं वो निश्चित रूप से प्रयासरत रहते हैं। कोई भी दल वर्तमान में ऐसा नहीं है, अछूता नहीं है, जो मुस्लिम वोटों को नहीं चाहता हो या जो दूसरे जो धर्म हैं उनके वोटों को नहीं चाहता हो। ये जो यूपी का आंकड़ा है, भारतीय जनता पार्टी ने किसी सीट पर नहीं दिया मुस्लिम। देखिए ये भी एक तरीका है जिसके आधार पर दूसरी जाति अर्थात गैर मुस्लिमों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए की गई व्यवस्था है। आप देखें कि बसपा ने लगभग 100 मुस्लिम जो है उम्मीदवार उतारे हैं और 56 के करीब एसपी ने उतारे हैं और 16 के आसपास जो है कांग्रेस ने उतारे हैं, लेकिन बीजेपी ने एक भी मुस्लिम जो है प्रत्याशी को मैदान में नहीं उतारा, तो ये भी एक ध्रुवीकरण है और इसका सीधा सीधा सा अर्थ है कि बसपा ने 87 शेड्यूल कास्ट और 97 मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट दी है इस बार, और ये मायावती बार बार सभाओं में जिक्र भी कर रही है। बिल्कुल, तो देखिये ये जो बात है ये बिल्कुल स्पष्ट है कि यदि आप एक तरफ एक समुदाय को लेकर के और वोटों का ध्रुवीकरण कर रहे हैं मुस्लिम लोगों का, तो दूसरी तरफ एक दूसरी पार्टी है जो कह रही है कि भाई हम हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण कर रहे हैं, और इस आधार पर जीतने के संदर्भ में जो समीकरण बन रहे हैं कि यदि हम ये माना कि एक मुस्त होकर मुस्लिम किसी एक पार्टी को वोट दिलवाने की स्थिति में आते हैं तो उसी रूप में अगर हिंदू एक मत होते हैं तो दूसरी पार्टी को लाभ होगा। ये तंत्र की मजबूरी है कि इस पर नहीं बोलते, ब्रेक पर जाएंगे उसके बाद। देखिए अश्विनी जी, ऐसा है कि केवल यूपी का चुनाव नहीं है, भारत की राजनीति के भविष्य का सवाल है, और बीजेपी ये चाहती है कि किसी न किसी रूप में यूपी का इलेक्शन जीता जाए क्योंकि बीजेपी का भविष्य उसी पे निर्भर होगा। दूसरे दल ये चाहते हैं कि कांग्रेस अपना लॉस्ट ग्राउंड समाजवादी पार्टी के साथ रह के रिगेन करना चाहती है, और जो बीएसपी की स्टैंड अलोन की नीति है उसमें बीएसपी भी किसी न किसी रूप में अपने एग्जिस्टेंस को फिर से इस्टेब्लिश करना बोलते कोई क्यों नहीं है। मैं इस पर आऊंगा, एक ब्रेक का कॉल कर रहे हैं विवेक, जाएंगे शांति प्रसाद जी को सुन लेते हैं, चलते बीकानेर से। नमस्कार सर। हाँ सर, मैं नेताओं से ये पूछना चाहता हूँ कि टैक्स हम देते हैं, ये अपने मतलब जो पैसे इकट्ठे करते हैं उनसे तो उनको छूट नहीं देते हैं, कभी किसी को घी बांट रहे हैं, कभी किसी को कुछ छूट दे रहे हैं, कभी किसी को और दे रहे हैं, हर तरफ की छूट दे रहे हैं, ये किस पे दे रहे हैं? पैसे हम टैक्स हम भरेंगे, ये वोटों के लिए मर्जी है, उसको मर्जी है वो छूट दे रहे हैं। ये भी एक मुद्दा है, ये भी मुद्दा है, मैं इसी मसले पर शामिल भी करूंगा इस बात को, एक ब्रेक के बाद लौटते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पूरी तरह से धज्जियां उड़ा रखी है, यूपी चुनाव में इसका नजारा देखने को मिल रहा है, लोग जाति और समाज के नाम पर ही वोट मांग रहे हैं, ले रहे हैं। लोकतंत्र पर जाति के आधार पर वोट का कहना ये गलत है बिल्कुल। इमाम बुखारी को सोचना चाहिए कि वोट अगर मांगते हैं समाज के नाम से और मुस्लिम के नाम से तो ये बहुत गलत है, इस पर चुनाव आयोग को कुछ निर्णय लेना पड़ेगा और सख्ती से उसको बर्खास्त करना चाहिए।